अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अचारी मटन की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो क्योंकि हम अचारी मटन बना रहे हैं इसलिए अचार के मसाले लगेंगे इसके लिए सब। तो ये मैंने कलौंजी ली है और थोड़ी सी मैंने मेथी दाना लिया है, बड़ी शोप ली है, ज़ीरा लिया है और राई ली है। तो मेथी दाना मैंने बहुत कम लिया था क्योंकि इससे थोड़ा कड़वा बनता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते इसको बनाना। और मटन मैंने हाफ केजी लिया था यानी 500 ग्राम। तो ये कुकर में बनेगा क्योंकि मटन को पकने में ज़्यादा टाइम जाता है, तो मैं कुकर में बनाया था। तो सबसे पहले तेल गरम कर लेंगे और उसके बाद बारीक बारीक प्याज कट करके ली थी वो डाली है। तो एक बड़ी साइज़ की प्याज ली थी मैंने, तो मटन के हिसाब से कम या ज़्यादा प्याज भी कर लेना आप। और प्याज हल्की सी ब्राउन हो जाए उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस रेसिपी को। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साइड में जो घंटी का बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो थोड़ी हल्की सी प्याज हो गई थी, उसके बाद मैंने अदरक लहसुन पेस्ट डाला है, तो मैंने 2 चम्मच डाला था क्योंकि मटन में कभी भी मैं ज़्यादा ही डालती हूँ अदरक लहसुन पेस्ट। और अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ये हल्का सा फ्राई हो जाए उसके बाद जो बाकी के मसाले हैं मैं वो डाल दूँगी इसमें। तो मैंने हल्दी डाली है, 1/2 चम्मच के करीब हल्दी डाली थी। और उसके बाद मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। तो लाल मिर्च पाउडर अगर तीखा पसंद करते हो तो थोड़ा ज़्यादा डाल देना, मैंने 1 चम्मच भर के डाला था लाल मिर्च। और उसके बाद जो टमाटर कट करके लिए थे हमने, टमाटर भी एक मीडियम साइज़ का लिया था मैंने बारीक कट करके, ये देखिए वो डाला है। और हरी मिर्च ली थी 3 से 4, वो डाली है मैंने। और हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे, अभी पानी बिल्कुल नहीं डालना है हमको, ऐसे ही तेल में फ्राई करना है। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया अचार के मसाले, वो मैंने बहुत ही क्वांटिटी कम ली थी। और ये देखिए उसके बाद मैंने मटन डाला है, मटन को अच्छे से वॉश कर लिया था उसके बाद ही डाला है, डायरेक्ट ऐसे मत डालिएगा। और ये मैंने बोनलेस लिया था, आपको अगर हड्डी वाला चाहिए तो आप वो भी डाल सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसे भी मटन डालना आप डाल सकते हो। और उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला है, तो नमक 1 चम्मच के करीब डाला था मैंने नमक। अगर नमक कम या ज़्यादा आपको पसंद है उस हिसाब से कर लेना नमक भी। और ये ऐसे ही मसाले में भूनना है, अभी पानी बिल्कुल नहीं डालना है हमको इसको इसमें। उसके बाद मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर डाला था। और अच्छे से मसाले में पका लेंगे मटन को। और मटन की क्वांटिटी मैंने 500 ग्राम ली थी, उस हिसाब से ही सब मसाले लिए हैं। अगर आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर रहे हो तो मसाले की क्वांटिटी भी कम या ज़्यादा कर लेना। और ये देखिए जो स्टार्टिंग में मैंने आपको मसाले दिखाए थे, वो मैंने दरदरा सा मिक्सी में दरदरा सा पीसा है, ज़्यादा बारीक मत करना, और वो डाला है मैंने। और कलौंजी को पीसना नहीं है, कलौंजी को मैंने ऐसे ही डाला था क्योंकि कलौंजी से थोड़ा कड़वाहट आती है, तो इसलिए कलौंजी मैंने ऐसे ही डाली है, पीसी नहीं है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो अचार के मसाले मैंने लिए थे, राई 1 चम्मच ली थी और बड़ी शोप भी मैंने 1 चम्मच ली थी और ज़ीरा 1 चम्मच लिया था 1/2 किलो मटन के हिसाब से। और कलौंजी मैंने 1/2 चम्मच ली थी और बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने मेथी दाना लिया था क्योंकि मेथी दाने से भी थोड़ा कड़वा सा लगता है। तो ये देखिए दही डाला है मैंने, 5 से 6 चम्मच दही का यूज़ करना है। और दही डालते टाइम गैस की फ्लेम कम कर देना और अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको मटन में, पानी अपना ड्राई हो जाए यानी दही का पानी पूरा ड्राई हो जाएगा। उसके बाद पानी डालकर हमको कुकर का लीड लगानी है। तो ये देखिए अच्छे से मसाले में पक जाएगा मटन, उसके बाद ही ढक्कन लगाऊँगी मैं कुकर का।
तो 3 से 4 सीटी में हो जाएगा मटन। अगर आप बिना प्रेशर कुकर के बना रहे हो तो थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा पकने के लिए मटन को, और कुछ नहीं। मैंने कुकर में इसलिए बनाया था ताकि जल्दी से मटन हमारा पक जाए। और नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस रेसिपी को। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साइड में जो घंटी का बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये देखिए थोड़ा सा पक गया है। उसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया डाला है, थोड़ा सा ही हरा धनिया डाला था, बाकी का मैं बाद में डालूँगी, जब सब डिश आउट कर लूँगी तब डालूँगी। तो हरा धनिया डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, और पानी डाल के ढक्कन लगा लेना है। 3 से 4 सीटी दी थी मैंने, आप सीटी होने के बाद में चेक कर लेना मटन अच्छे से पक जाए, उसके बाद ही गैस बंद कर लेना और सर्व करना। तो आप इसको नान, पराठे या नॉर्मल जो चपाती आती है उसके साथ भी सर्व कर सकते हो, या राइस के साथ भी सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है और 2 से 3 सीटी हो गई थी, उसके बाद मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया इसका, और मैंने ज़्यादा पानी नहीं रखा था इसमें, थोड़ा सूखा जैसा ही बनाया था। तो ये देखिए, और मैंने चेक कर लिया था मटन को अच्छे से पक गया है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी, डिश आउट कर लूँगी, और ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है मैंने थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। ये देखिए मैंने निकाल के डिश आउट कर लिया है, आप चपाती या राइस के साथ सर्व कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।